सवाल वैसे बड़ी सक्रिय होती जा रही है, क्योंकि अगर एक ऑफिशियल रिजल्ट भी रजनी मलिक साहब 272 तो दूर की बात, एक ऑफिशियल रिजल्ट भी अगर क्रीम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब जब जैसे नदीम साहब ने कह ही दिया है तो लेट ऑन आ मैजिक बॉल और देखते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जानकारी एनए 35 बनूस है इस वक्त, वो इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं और अकरम दुरानी जिन्हें कहा जा रहा था गढ़ है वो इस वक्त पीछे है, लेकिन इससे पहले क्या कुछ हुआ ये आपको हम बताते हैं। 2008 की अगर बात की जाए और 2013 की बात की जाए, उससे हम एनालिसिस निकालें तो 2008 में ऐसे एमएमपी 91,000 वोट के साथ पहले नंबर पे थी और इंडिपेंडेंट थे यहाँ से 56,000 वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे। 2013 में ये चीज़ थोड़ी तब्दील हुई, जेयूआई थे 78,000 वोट के साथ पहले नंबर पे बेंच किया, सेकेंड नंबर पे अगेन इंडिपेंडेंट थे, ये भी हमें चेंज देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट थे जो 45,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लेट अस सी शेयर परसेंट कितना रहा जेएफए का, ये 2008 में 45% वोट उन्होंने हासिल किए, इंडिपेंडेंट 26%, पीटीआई उस वक्त 15% पे थी 2013 में, जमात इस्लामी 7% और 3% इंडिपेंडेंट का था। लेकिन अब हमें देखना ये है कि शेयर डिफरेंस क्या रहा, शेयर डिफरेंस अगर हम आपको बताएं तो 8 और 13 के मुकाबले में किसने कितना ज़्यादा शेयर उठाया, तो जेयूआईपी ने 45% ज़्यादा वोट हासिल किए और इंडिपेंडेंट तंगी नहीं रही, पीटीआई ने 15% इजाफी वोट उठाए, उनका शेयर डिफरेंस था 7%। तो एक चीज़ हमें कुछ कुछ पीटीआई में देना शुरू कर दिए थे हिंट, इज अ स्विंग मीटर, स्विंग मीटर ये बताएगा कि किस पार्टी ने किसके वोट काटे या किसके वोट आए। तो इसके मुताबिक 2008 से 2013 में आए तो जेएमपी ने 22% वोट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के थे वो हारे, लेकिन ये तो हमने बात कर ली 2008 से 2013 तक की, डिफरेंस हमने आपको वोट का दिखाया, शेयर डिफरेंस दिखाया और दिखाया आपको स्विंग मीटर भी। इसमें इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं तो देखना यह है कि जब मुकम्मल नतीजे आएंगे उस वक्त किसका कितना शेयर डिफरेंस आएगा, और मुकम्मल नतीजा भी आ गया है, इमरान खान जीत रहे हैं 70,000 वोट लेकर, वो इस वक्त आगे आगे हैं और अकरम खान दुरानी कहा जा रहा था कि बड़ी स्ट्रॉन्ग उनकी पोजिशन है तो वो उस वक्त 45,000 वोट्स लेके दूसरे नंबर पर है। जेयूआई जो है और जो दीगर जमाते हैं वो मिलके भी, जमात इस्लामी वो मिलके भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दे पाए हैं। इसका मतलब ये है कि स्विंग मीटर का स्विंग भी बहुत ज़्यादा होगा, शेयर डिफरेंस भी तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। ये था साहब का NA 26, अब हो गया है NA 35, इमरान खान साहब यहाँ से लीड कर रहे हो, जैसे कि हमारा पैनल भी बात कर रहा था कि यहाँ पे अकरम खान दुरानी को हराना वॉज नियरली